तारीख मैं भूल गई हूँ। अच्छा, 2 नवंबर को कार्यक्रम होना है आपके यहाँ रावतपुर क्रॉसिंग पर, तो उसमें 2 पार्टियां हैं, एक सम्मान्य करुणा शर्मा जी हाथरस और दूसरी है कल्पना दुबे जी भिंड, तो आप लोग जरूर सुनिए इस कार्यक्रम को। धन्यवाद है। आइए एक छोटा सा कट पीस मेरी तरफ से सुनिए। सुनिए गीत थोड़ा सा, मैंने आपने सुना है गिनतियों से भरा है गीत, लेकिन कट पीस में थोड़ा आपको आज के दौर से जोड़ रही हूँ, आज के समय से जोड़ रही हूँ। बिल्कुल ताजी ताजी एक घटना आपको अपने कट पीस में सुना रही हूँ, शायद अच्छी लग जाए ताकि आपका जायका बना रहे। गीत कह रहा है कि तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लोगी। क्या बात हुआ भैया, क्या बात, जवाब बेटे। आदमी चंदन दीवाना जी और क्या, यहाँ भड़भड़ नहीं शुद्ध शाकाहारी सुनने है कि तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लोगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी, तो सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ये संगम है। को सुनिए, यहाँ युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, भैया लोग हमारे, बिल्कुल एक ताजी घटना सुना रही हूँ। और ताजी घटना आप लोगों ने व्हाट्सएप पर भी खूब देखी, फेसबुक पर भी खूब पढ़ी। बजरंगी भैया कहीं बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। हाँ, खड़े हो ऐसा लग रहा हनुमान जी गदा लिए। अभी चुनाव में खड़े होना, अभी बैठिए। तो मैं बात उस समय की कर रही हूँ कि एक अपने भारत देश में एक अच्छा काम हो गया कि 70 सालों बाद हट गई धारा 370। और ये एक ऐसा काम हुआ जो हमारे देश में ऐसा काम हुआ जिसके लिए चारों वर्ग के लोग प्रसन्न हैं। भैया हमारे सुनेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सबके भले के लिए भारतवर्ष में काम हुआ। शाबाश। तो मेरी पंक्ति कह रही, 70 सालों बाद हट गई 370 धारा। अभी तो कश्मीर में अपना झंडा लहरा रहा है, लेकिन मेरी पंक्ति कह रही, विश्वास रखिए कि 70 सालों बाद हट गई 370 धारा, कुछ दिन ठहरे हो जाएगा पाकिस्तान हमारा। कुछ दिन ठहरे हो जाएगा पाकिस्तान हमारा, क्योंकि 22-29-5 से चमका पावन सावन का महीना। ये सावन अब की बार इतना अच्छा आया, सावन के 3 सोमवार में 3 बढ़िया बढ़िया काम हो गए। पहले में चंद्रयान, दूसरे में 3 तलाक समाप्त हो गई, और तीसरे में ये 370 धारा हट गई। तो मेरी पंक्ति कह रही, 22-29-5 से चमका पावन सावन का महीना, और इन सबको जोड़ दीजिए तो मोदी है तो मुमकिन है जिनका है 56 इंची सीना। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि 29-5 को जोड़िए तो भी 56, उनका 56 इंची सीना। तो मैंने बस प्रयास किया कि ये काम तो अच्छे हुए, लेकिन एक आध काम ऐसे भी हो गए जो भारत के इतिहास में लिखे जाएंगे, और वो भी सावन में ही हुए। सवाल से हुआ था, मेरी पंक्ति करी भैया चंदन दीवाना जी सुनिए, कि यम के हाथों
निर्ममता से निष्कलंकनी छली गई। यहाँ से वहां तक सबके सबका ध्यान चाहूंगी और निवेदन करूंगी, अगर मेरी पंक्ति अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिए। शाबाश। मैं किसकी बात कर रही हूँ? के यम के हाथों निर्ममता से निष्कलंकनी छली गई, तो कश्मीर को आजादी दिलवा कर सुषमा चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद है सुषमा स्वराज। कश्मीर को आजादी दिलवाकर सुषमा चली गई। ना जाने कितने लोगों का सुषमा स्वराज ने विरोध किया, ना जाने कितने लोगों को पाकिस्तान की धरती से छुड़ा कर ले आई। और हमारे राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी महिला सशक्त नेता जिनको एक नहीं 70 भाषाओं का ज्ञान, 70 भाषाओं का ज्ञान, और इतना ही नहीं इन्होंने शपथ ग्रहण भी किया तो संस्कृत भाषा में किया। सभापति, एक नारी सशक्तिकरण के हिसाब से मैं अपनी पंक्ति को आप तक प्रेषित कर रही हूँ, भैया सुनिएगा। के यम के हाथों निर्ममता से निष्कलंकनी छली गई, कश्मीर को आजादी दिलवाकर सुषमा चली गई, तो सदा समर्पित जिनका पल पल भारत के उत्थान में, तो अमर तिरंगा आज झुक गया सुषमा के सम्मान। सुषमा स्वराज जी उन्होंने रात्रि में एक पत्र लिखा मोदी जी के लिए, ये उनको भी ये नहीं मालूम था कि ये मेरा अंतिम दिन है, अंतिम रात्रि है। सवाब बड़े। उन्होंने पत्र लिखा कि मोदी जी भाई साहब मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, जो सपना 70 सालों से पूरा नहीं हुआ वो इस बार पूरा हो गया, और इस सपने को आप नहीं जी पाए लेकिन मैं आपको फिर भी धन्यवाद देती हूँ। अब देखिए वो अटल बिहारी जी को भी याद कर रही है, और बस कवि की कल्पना है, अभी ये ना कहिएगा ये कहाँ लिखा है क्या है, कभी सोचता है वही लिखता है। शाबाश। चंदन भैया सुषमा स्वराज जी ने, मैं अपने हिसाब से कल्पना कर रही हूँ कि सुषमा स्वराज जी सोच रही है क्या, सदा समर्पित जिनका पल पल भारत के उत्थान में, तो सुषमा जी सोच रही होंगी क्या, मुझे लगा के सबसे पहले दे दूंगी खबर में आके। किसको दे दूंगी? शायद मेरी बात आपको अच्छी लग जाए। वो कह रही है कि मुझे लगा के सबसे पहले दे दूंगी खबर में आके, मैं अटल बिहारी जी को ये खुशखबरी दूं जाके। और क्या खुशखबरी दूं? के रहा कश्मीर अभी तक सपना है, पर हुआ कश्मीर अब अपना। बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सुषमा जी के थोड़े दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी के एक और सशक्त नेता सम्माननीय अरुण जेटली जी भी नहीं रहे, तो उनकी भी कोई इच्छा कोई कल्पना जरूर रही होगी। मैंने अपने कट्टीज के माध्यम से आपको आज के इस समय की एक ताजी घटना सुनाई है। हालांकि कश्मीर अपना था, अपना है, अपना रहेगा, बस थोड़े दिन रुकिए, पीओके भी अपना हो जाएगा। और इसीलिए लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो मैंने प्रयास किया है। आपकी तालियों के लिए धन्यवाद। और 51 मुद्राएं। हेलो, हेलो।
हेलो। बहुत सुंदर कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं। अति सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कार्यक्रम सुन रहे हैं आप लोग। हम क्या कहें, हमने सिर्फ इतनी सी बात कह दी। हमने कहा भाभी मेरे गीत में क्रम लगा था कि पहले एक आंख गिरी, दो बची, शुक्राचार्य की एक आंख फूटी, एक बची, और फिर उसके बाद में चमन ऋषि की दोनों फूट गई तो एक भी नहीं बची। सिर्फ इतनी सी बात कह दी तो कह दिया तुम तो थप्पड़ मार रहे हो। अब भाभी जी आप बताओ क्या अगर मैं अपने गीत को, आपने जो जवाब दिया है क्या मैं अपने गीत को बताऊं नहीं कि आपने ये चीज छोड़ दी। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसा करने से आपको थप्पड़ मार रहा हूं तो अब मैं कुछ कहूंगा ही नहीं कि जो मेरे भाभी को थप्पड़ लगे ऐसा कहना मेरे लिए वर्जित है। कहूंगा नहीं। हमें नहीं मालूम था कि आपके जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो थप्पड़ से लग रहे हैं। अच्छा, अपने हृदय से पूछो जवाब हो रहा है नहीं। और आपने ये कहा कि चंदन तुमने ये ऐसा किया वो ऐसा किया तो आप थप्पड़ मार रही हो, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि आप थप्पड़ मार सकती हो। आप बड़ी हैं, आप थप्पड़ मारिए, लेकिन अब देवर की तरफ से थप्पड़ नहीं जाएगा। वैसे ये निवेदन है कि हर पार्टी जब दूसरी पार्टी का गीत जवाब नहीं आता है तो वो कहता है कि आपने ये चीज छोड़ दी थी, फिर भी मैंने कहा था कि आपने कोशिश की है, अच्छी की है, अंतर से जवाब अच्छा दिया होगा, शायद मैं ही नहीं समझ पाया होगा, लेकिन आपको वो चीज थप्पड़ मालूम पड़ी। पता नहीं आप थप्पड़ मार रहे हो और आपको पीछे वाले कह रहे हैं बहुत बोझा, पीछे वालों को रोको, पीछे वाले क्या बादल डाल रहे हैं आपके ऊपर। एक बात और कही, कौन सा मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा है। अच्छा, आप सभी लोग बैठे हैं यहाँ, ब्राह्मण भी होंगे और हैं, आप लोग कोई भी उठ के खड़ा होके बता दे कि 27 से ज्यादा कहीं और मूल उतरते हैं, 27 दिन से ज्यादा कहीं उतरते हैं। अब इनके यहाँ शुक्ला जी, शायद जब पंडित को जानकारी ना हो तो आप बता दो। मैंने ये बात कह दी तो आपको लगा कि थप्पड़ मार दिया कि मैंने कहीं पढ़ा है, और एक बात वार्निंग और दे दी, चेतावनी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। चंदन भैया दायरा बना के रखिए तो आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, हम दायरा बना के रखें तो हमारे लिए अच्छा होगा, मतलब आपको हमारी बातें तक थप्पड़ लग रही हैं और आप सीधा चैलेंज कर रही हो, क्या दायरा बना के रखो तो आपके लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने घर में हूँ और तुम्हारे पीछे वाले चालान करा रहे हैं। क्या बताएं, हमारे पीछे वाले ने कोई भी अगर गलत बात कही हो क्या कही, आप कह सकती थी, लेकिन आपके पीछे वाला तो ये कह रहा है कि इमरान खान के साड़ू है। बताइए, बताओ, हम इमरान खान के सालू हैं। आपने कहा कि मेरे पास सऊदी से फोन आता है, चंदन झूठ नहीं बोलता भाभी जी, मेरा फोन अभी पड़ा है और आप एक दिन रख के देख लो। मैंने आपकी बात मानी, मैं नकारा तो नहीं कि आपके पास फोन नहीं आए होंगे, लेकिन आप पीछे वाले कह रहे हैं कि इमरान के सालू होंगे। एक बात और कही, चंदन जी दायरा बना के रखिए, मैंने आपकी कमेंट पढ़ी है, तो हमने भी स्कूल के पीछे खड़िया थोड़ी नहीं खाई, हमने भी पढ़ी, खड़िया नहीं खाई है, आपकी कमेंट मैंने पढ़ी है और बताओ तो दिखाएं। मैंने स्क्रीन शॉट भी ले रखे हैं क्योंकि मुझे मालूम था आप ये बात कहेंगे। ऐसा इतना हल्का मामला मत लीजिए, भाभी जी है जो आप सोच रही हैं, भाभी जी उतना हल्का नहीं है। अब मैं आप कह रहे हैं कि तीन तीन राइटर हैं, ये राइटर नहीं है, ये जवाबी के गायक हैं जो आपको लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपना जवाबी स्वयं गाते हैं लिखते हैं। और एक बात और, पीछे वाले कह रहे हैं इमरान के सालू कि आपको फोन से धमकियां मिलेंगी जब तुम ऐसी बात करोगे। मैं ये कह रहा हूं
फोन से चाहे कोई धमकी दे और चाहे कोई गोली मुझे मार क्यों ना दे, लेकिन चंदन हमेशा हिंदुस्तान की बोला है और जिंदगी भर जब तक जान है बोलेगा। तुम गोली मरवा लो, आप कह रही हो कि ऐसे कमेंट आएंगे तो आप और दिलवा लो, लेकिन चंदन को कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का। भाभी जी मैं कुछ आपसे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने एक बात कह दी कि थप्पड़ मार दिया, मेरी बातें आपको थप्पड़ लग रही, मैं अपनी खुद बात में कहूंगा। अपने दिल में भैया वैसे मैं ये बात कहता नहीं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि कहलवाई जा रही है कि कुछ गाने बजाने पर ध्यान दो। सही बात तो यह है कि आज कार्यक्रम नहीं हो पाता, मेरे पास ऐसी मजबूरी थी और ऐसी नहीं थी बहुत बड़ी, लेकिन मैंने कहा कि इंसान मर्द की सिर्फ जुबान होती है, बाकी तो फिर जिंदगी बेकार होती है। लेकिन निवेदन सिर्फ इतना करना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि चंदन तेरे घर में आग लगा दूंगा, मैं कहता हूं आओ तो सामने, उन लोगों से कहना है अपने दिल में हम शेरों सा हौसला मौजूद रखते हैं, छूकर हमें कहीं खाक न हो जाना, हम रगों में लहू नहीं बारूद रखते। आप कह रही हो कि चंदन ऐसे ही कमेंट आएंगे अगर ऐसे कहा और आए और आए। ये तो व्यक्ति की जब तक बुराई नहीं होती तब तक ऊंचाई नहीं मिलती। शायद अब ये यूट्यूब कमेंट के लिए तो बनाई आई गया है। जब दो एक बात और कही चंदन जी, आपने आधे प्रश्नों का उत्तर दिया, आपके चरणों में मेरा नमन है कि आपने एक बात कही तो आधे के तो दिया। चंदन बेटा आपने ये बात स्वीकार तो की कि मैंने आधे क्वेश्चन का जवाब दिया, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के देखो क्या तुमने जवाब दिया। अरे हर किसी का हर किसी पर दबाव नहीं होता, हर किसी का हर किसी पर दबाव नहीं होता, हर एक गीत का भी जवाब नहीं होता। और जवाब देने को तो दे ही देते हैं लोग, पर हर एक जवाब लाजवाब नहीं होता। एक बात और कही कि बेटा वैसे मेरे परिवार में इतना ही लड़का बिगड़ा नहीं था, सुना होगा आपने। अब बताओ हम कहां से बिगड़े हैं, चेहरे से हैं, हाथ पैरों से या जवान से। इतना जरूर है कि मैं क्या था मुझे क्या बना दिया, मैं क्या था मुझे क्या बना दिया, साहे गुल से गुलफाम बना दिया। अब कहते हो कि चुभते हो, अरे अब कहते हो चुभते हो, मैं तो फूल था तुमने कांटा बना दिया। कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। आप मैं अब कहूंगा नहीं कि आपने जवाब क्या दिया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरे गीत में मैंने पांच पति दिखाए थे, फिर सात दिखाए, फिर दस दिखाए। आपको क्रम करना था तो दस से फिर आगे बढ़ते, लेकिन ये नहीं पड़ा है कि दस से आगे पति हो किसी पति। हाँ, सारे चार के ड्योड़े सारे छह कैसे होता है, सही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे। देखिए अब मैं नहीं कह रहा हूं जो आपको थप्पड़ लग रही, जनता खुद कह रही है, मैं नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बजरंगी भैया आपसे निवेदन है कि भी आप एक कीर्तनकार हैं, हाँ कृपया करके भावनाओं को समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। दिखाए क्या कृष्ण हूं मैं तो, कि तीन माता है जिनका एक पुत्र है, भगवान राम कौशल्या मैया के पुत्र थे, लेकिन तीनों माँ का बराबर प्यार मिला, तीनों माँ के पुत्र नहीं थे, तीनों बता दिया, तीनों माँ के पुत्र थे जरासंध। आधे आधे टुकड़ों में दो माओ ने पैदा किया और एक राक्षसी थी जिसका नाम था जरा, उसने उसको पाला, जोड़ा पाला कर दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, तब उसका नाम पड़ा जरासंध। ये बात कह देती तब भी चल जाती, उसकी तो तीन माँ हो सकती है। अगर अब ऐसे तो
ये हमारे से पापा ही बैठे जितने पीछे हैं। हम 15-20 बाप की औलाद है गए। हमसे जितने सब बड़े हैं सब पिता के समान हैं, सब पिता हैं हमारे। खैर आप जो कहो आप अच्छा है, क्योंकि आपकी बात को हम काट नहीं सकते। आप हैं और हम कहां, हमारी क्या औकात है। आइए, और एक खंड गीत हमने गाया था, उसका जवाब आप लोगों ने कितना सुंदर दिया, अति सुंदर। मैंने बल्कि नीचे की पंक्ति साफ कह रही थी, ऐसे ही द्वापर का त्रेता से मेल मिलाना है। जय हो। क्या मेल मिलाया, रावण और राम, मतलब रावण था द्वापर में, राम थे त्रेता में। मैंने दिखाया था उधर सीता त्रेता में और द्वापर में सप्तभामा, त्रेता द्वापर का मिलान। उधर भगवान राम के मित्र सुग्रीव और इधर द्वापर में सुदामा। लेकिन आपने पता नहीं, श्याम और सुशाल बहन है राम की शांता और इधर है सुभद्रा। त्रेता और द्वापर में मिलान दिखाया था आपने, श्याम और शिशुपाल। आखिर ये हो क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और हम कुछ कह दें तो तुम थप्पड़ मार रहे हो। हमारी क्या मजाल भाभी को हम आप में थप्पड़ मारा, सोचना भी गुनाह है, सोचना भी। खैर अपना जवाब सुनिए, सुनिए छोटे भाई की तरफ से। और जैसा कि आप हमसे कह रहे हैं चंदन, कमेंट आते हैं, बोलते बहुत हो, तो भाभी फिक्र ना करो, आपके भी बहुत है। हाँ, जैसा देवर वैसी भाभी, सेम टू यू, एक तार हैं दोनों लोग। जैसा आप बोगी और वैसा हम पीछे से काटते चल रहे हैं। चलिए, बड़ी प्यारी धुन गाई है। अरे ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूर्त, जवाब जैसा कि आपने कहा कि चंदन भैया मैं कल्पना कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, जहां ना पहुंचे कभी। लोग कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, लेकिन मैं कह रहा हूं जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे अनुभवी। हो देखिए छोटे भैया का थोड़ा बहुत आपसे ही ज्ञान मिला हुआ प्रयास, और जैसा कि आप कह रही हो कि पीछे वाले लिख रहे हैं, कसम मां शारदे की ये जवाब छोटे भैया का लिखा है, स्वीकार करिए आपके कानों में रहा हूं। जय हो। सुनिए, आपने कहा रहा कश्मीर जो अब तक सपना है, और हुआ कश्मीर वो अपना है। उतना ही रखो, हाँ सुनिए। हुआ कश्मीर वो अपना है। अच्छा आप लोग निर्णय करिए, कश्मीर क्या हमारा था नहीं भैया? अगर था नहीं तो फिर ये कैसे हो गया? हाँ अभी पाकिस्तान हमारा नहीं है, जिस दिन होगा तब ये बात आप कह देते। कश्मीर हमारा था तो, लेकिन हमारी उसमें चलती नहीं थी। घर में चार भाई होते हैं, तीन भाइयों की आपस में पटती है, चौथे भाई के घर में अपनी बात नहीं चलती। ये बात थी, था तो अपना, लेकिन आपने जो कहा अच्छी बात है, हम कहेंगे तो आपके मुंह पे थप्पड़। आप कह रही मैं थप्पड़ मारने वाला कहाँ, लेकिन सुनिए। जब सुषमा स्वराज जी अटल जी के पास पहुंची, के भैया अब देखिए अटल जी ने क्या कहा। क्या कि कश्मीर को आजाद करा देते, देश और विदेश में झंडा फहरा देते। कश्मीर आजाद करा देते, देश और विदेश में झंडा फहरा देते, अगर होते हिंदुस्तान के हिंदू हुए, अयोध्या में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी राम मंदिर बनवा देते। सुनिए अब अटल जी ने क्या कहा।
अरे है राम रूप भारत तो भाभी जी, तुम्हारा देवर खून और पसीने की कमाई खाता है। अमित भैया ने पैसा खर्च किया है, आप लोग देख रहे हैं, सब लोग बैठे हो, हमारा एक भी ग्रुप का आदमी उठ के नहीं गया होगा। और उधर देख, तीन सती वो वाली कौन सी है बताओ भैया? अब ये बात हम नहीं कहेंगे, के भैया सुनिए, अब देखिए अटल जी क्या कह रहे हैं। अरे है राम रूप भारत मेरा, अरे भारत सम्मान जो मेरा, ये भारत मेरा राम है। एक एक पंक्ति को सुनना, अगर आनंद ना आ जाए तो आप कहना है राम रूप भारत मेरा, जो ये मेरा सम्मान है, इस देश की रक्षा की खाते मोदी बैठा हनुमान है। आपने ये बात कही सुषमा जी ने, 370 हटवा दी। अगर मोदी जी का हाथ नहीं होता तो कैसे हो जाता? सुषमा जी का हाथ होगा मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ा अगर सहयोग किसी का है तो सिर्फ वन मैन आर्मी, वो थे मोदी। अगर मोदी हैं तो मुमकिन है। सुनिए, इस देश की रक्षा की खाते मोदी ये बना हनुमान, इस देश की रक्षा की खाते मोदी हनुमान है मेरा। तो अब रहा हूँ दिल में खिल में, अब अटल जी कह रहे हैं, अब रहा हूं दिल में खिल में, अब मेरा दिल प्रफुल्लित हो रहा है। सिर्फ कभी की कल्पना, जब सुषमा जी पहुंची आपने कहा, वो अटल जी कह रहे हैं, अब रहा हूं दिल में खिल में, सबके मोदी है, अब रहा हूं दिल में खिल में, मोदी सबके हैं दिल में, और जो उसने काम किया है ना था वो अब काबिल में। मैंने भी सत्ता चलाई, मोदी कैसे काम नहीं कर पाया, इसलिए मैं मोदी को बार बार कोट कोट बार नमन करता हूं। जय हो। अब देखिए कहना, अब रहा हूं दिल में खिल में, मोदी है सबके दिल में, तो बदले लेगा गिन गिन है, और मोदी है तो मुमकिन। बहुत बढ़िया, एक एक चीज का जवाब मोदी देगा। अब तो हम लोग आ ही गए हैं, अब यहाँ से ऊपर से बैठे बैठे देखो, सिर्फ ऊपर से बैठे बैठे देखो कि आखिर मोदी कर क्या रहा है। बदले बोलेगा दिन दिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है।
भाभी जी, छोटे भैया का जवाब आपके चरणों में समर्पण है, आप माने या न माने, माने या न माने, लेकिन कोशिश हमने भी की है। सुनिए, आइए।